जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई आई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारी ये अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। संबंध कभी भी मीठी आवाज़ या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित ही रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। ये बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं। जैसा आप चाहते हैं, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता से दूर रहें, जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छा के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली गई तो मुक्ति। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम्हें सिर्फ स्वयं से करो। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबा भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम का भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए होता है जो लोग झूठ के रहने के आदि हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ फिश केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मारता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और आने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी। अगर कष्ट पड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किस से आशा की और किस पर विश्वास। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इन्हीं सांस और नाम की बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करो,
किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं, जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास करना, और उससे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। सबको साथ लेकर चलें, किंतु कभी अकेला भी चलना पड़े, क्योंकि समस्या शमशान शिखर एवं सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके, इसलिए जो करना चाहते हैं वह आज से ही शुरू करें। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। जब हमारे जीवन में भी कई समस्या आती है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्राकृतिक है, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। उस प्रेम का विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस सिर्फ फर्क कितना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शो करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। अब कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और संभालें। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना आसान अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। मैं तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वो हो, नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती।
बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, जब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।